नमस्कार दोस्तों, कुछ का चैप्टर जनरल साइंस राजस्थान पुलिस के लिए। यदि आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा तो हमारी बेल जो आइकन है उस आइकन पर जाकर के आप पार्ट फर्स्ट की जो लिंक दी गई है उससे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देख लें, उसके पश्चात आपको कोर्स का चैप्टर का पार्ट सेकंड आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गोलजिकाई के बारे में। तो गोलजिकाई की जो खोज की गई, गोलजिकाई की खोज कैमिलो गोलजी के द्वारा की गई। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इसकी खोज की गई। तो गोलजिका की खोज कैमिलो गोलजी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो गोलजिका जो है कोशिकाओं में निर्मित पदार्थों का परिवहन करने के कारण इसे कोशिका का परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हमारी कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहा जाता है? गोलजिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि दोस्तों, गोलजिका जो है कोशिका में जो भी कोई पदार्थ निर्मित होता है उस पदार्थ को लाने ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गोलजिका ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। तो गोलजिका में ही दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। इस वजह से ये ग्लाइकोप्रोटीन और गोलजिका का निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। गोलजिका की बात करें तो गोलजिका तीन पार्टों में विभक्त होता है। एक होती है सिस्टर्नी, दूसरी पुटिका और तीसरी होती है रिक्का। सिस्टर्नी, फॉलिकल और वैक्यूल, इन तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है। गोलजिका की यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से सिस्टर्नी, पुटिका और रिक्का किसके भाग हैं, तो ये गोलजिका के भाग होते हैं। अब गोलजिका के मुख्य कार्य की बात की जाए तो गोलजिका का जो मुख्य कार्य है वो होता है दोस्तों श्रवण करना, कोई चीज का सिक्रेशन करना। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है वो गोलजिका की मदद से ही किया जाता है। तो कोशिकाओं में गोलजिका होता है, ये श्रवण का काम करता है। जैसे कि जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का श्रवण करना, पादप कोशिकाओं द्वारा लिपिड का श्रवण करना, ये सभी कार्य जो होते हैं गोलजिका के माध्यम से ही संपन्न हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स जो हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खोज की। तो लाइसोसोम की जो खोज की गई डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। तो डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। अब अगला फैक्ट बात करते हैं, लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय या फिर हाइड्रोलाइटिक, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रो शब्द जो है जल से संबंधित है, लाइटिक का मतलब होता है अपघटन करना। तो मतलब लाइसोसोम में जल अपघटनीय प्रकार के 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी कार्मिक पदार्थों जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि को पचाने में सहायक होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर ही कुछ ऐसे शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कार्मिक पदार्थों को आसानी से पचा सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इनका पाचन लाइसोसोम द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से जल अपघटनीय कोशिकांग जो जल अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं किस कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो अंतःप्रद्रव्यीय जाल का, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी भक्षण कर जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग कह देते हैं। अर्थात आत्मघाती थैली और सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम जो होता है अपने शरीर के कोशिकांगों को नहीं पहचान पाता है, जिसकी वजह से वो उनका भी भक्षण कर जाता है। तो लाइसोसोम का कार्य होता है भक्षण करना। तो दोस्तों लाइसोसोम जो होता है उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो भक्षणकारी या फैगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। इस वजह से लाइसोसोम कभी कभी अपने अंतःप्रद्रव्यीय जाल का माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांगों को भी नहीं पहचान पाता है और कोशिका को नष्ट कर देता है और उनका भक्षण कर लेता है। इस वजह से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये अपने जीव द्रव्य को, कम पाए जाने वाले जीव द्रव्य को विखंडित कर देता है और विखंडित करने के पश्चात पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि ये खुद को भी उसमें नष्ट कर लेता है, अर्थात इसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। यह आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कभी नहीं पाए जा सकते। ये लाइसोसोम जो होते हैं आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, ये केवल फैगोसाइट्स कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में दोस्तों? फैगोसाइट्स कोशिकाएं, फैगोसाइट।
हैगोसाइटिस जो कोशिकाएं होती हैं ये केवल उन्हीं में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? हैगो शब्द का मतलब होता है भक्षण करना और साइट का मतलब जो होता है भक्षण करने से संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं फैगोसाइट्स। तो दोस्तों ये फैगोसाइट्स कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं भक्षण का काम करती हैं केवल ये उन्हीं में पाए जाते हैं, आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गए लाइसोसोम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में। नेक्स्ट कोशिकांग है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई वो की गई फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई फ्लेमिंग के द्वारा की गई। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया तथा बेंडा की बात करें तो बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था दोस्तों अल्टमैन ने। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य की यदि फैक्ट्स की बात की जाए तो दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माना जाता है? डबल लेयर माइटोकॉन्ड्रिया पर पाई जाती है। एक को बोलते हैं भारी झिल्ली और दूसरी होती है दोस्तों भीतरी झिल्ली। जो भारी झिल्ली होती है और एक होती है भीतरी झिल्ली। जो भीतरी झिल्ली होती है दोस्तों उस पर एक संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतर झिल्ली पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रिस्टी कहा जाता है, जिसमें एक चक्र संपन्न होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, जो कि एटीपी निर्माण का कार्य करता है। जिसमें एक चक्र संपन्न होता है उस चक्र को कहा जाता है दोस्तों क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से क्या बनती है? एटीपी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी जीवाणु में नहीं पाई जाती, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं जीवाणु में पाई जाती हैं। तो जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। पावर हाउस, इसे पावर हाउस कहा जाता है, अर्थात कोशिका का क्या कहते हैं? इसे शक्ति ग्रह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। इसमें क्या है दोस्तों? खाद्य जो पदार्थ होते हैं उन खाद्य अणुओं का क्या होता है? खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन के कारण क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो का मतलब ऑक्सीडेशन दोस्तों, ऑक्सीकरण इसे कह सकते हैं। ऑक्सीकरण, खाद्य अणुओं के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। इसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो इसके मुख्य कार्य हो गए दोस्तों ऊर्जा निर्माण करना, एटीपी का संश्लेषण करना, जैसे क्रेब्स चक्र से एटीपी बनती है, ऊर्जा मैंने बताई दिया खाद्य अणुओं से ऊर्जा का निर्माण होता है, और वसा का उपापचय करना। तो ये मुख्य कार्य हो गए ऊर्जा निर्माण, एटीपी संश्लेषण और वसा का उपापचय। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। तो दोस्तों केंद्रक की जो खोज की गई, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है दोस्तों केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो केंद्रक के अध्ययन को हम कहेंगे दोस्तों कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी शब्द जो है केंद्रक से संबंधित है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अर्थात केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला के नाम से जानते हैं। तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली एक दोहरी परत की डबल लेयर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम केंद्रक या झिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसे हम केंद्रक कला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यह कोशिका में सभी उपापचयी व रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करती है। इस वजह से इसे कोशिका का प्रबंधक व नियंत्रक के नाम से
वह कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो शरीर के अंदर होने वाली सभी उपापचय क्रियाएं वह रासायनिक क्रियाएं सभी जो है केंद्रक के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इस वजह से इसे कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। पूरी कोशिका सेल पर ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन मस्तिष्क जो होता है पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है, इसी प्रकार कोशिका का केंद्रक पूरी कोशिका पर नियंत्रण का काम करता है। इस वजह से इसे कोशिका का प्रबंधक अर्थात मैनेजर डायरेक्टर की तरह हम कह सकते हैं, अर्थात मैनेजर और कंट्रोलर और इसे मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क के नाम से केंद्रक को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य को केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी सी गोलाकार या फिर अंडाकार एक रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, जिसकी खोज जो की गई फोंटाना ने की। केंद्रिका की दोस्तों खोज की गई फोंटाना के द्वारा। केंद्रिका के मुख्य कार्य होते हैं जैसे आरएनए का निर्माण करना या फिर समसूत्री विभाजन, तो इनमें ये सहायता करती है केंद्रिका दोस्तों। केंद्रक के अंदर और भी कुछ संरचनाएं पाई जाती है जैसे कि क्रोमेटिन जाल वगैरह, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि जनरल साइंस से वो हटके हो जाता है। तो जनरल साइंस के लेवल केवल सिंपल लेवल होता है, तो उस लेवल से थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं आपको, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट कोशिकांग होता है रसधानी। तो रसधानी जिसे हम वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो वैक्यूल क्या होती है दोस्तों, तो वैक्यूल की यदि बात की जाए तो वैक्यूल दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कोशिका है, यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक है, तो यहाँ पर ऐसे रिक्तकाएं होती हैं। तो ये रिक्तकाएं क्या करती हैं, जल तथा खनिज लवण जो होते हैं उनका संतुलन करती है। जैसे कि कोशिका में अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इसमें आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये कोशिका के संतुलन का काम करती है। और इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम दोस्तों टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट जो होता है रिक्तका के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि रिक्तका के चार ओर पाए जाने वाली एक झिल्ली होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे दोस्तों टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। कोशिका की रसधानियां चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। तो रिक्तकाएं जो होती है जंतु और पादप दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं दोस्तों तारककाय, जिसे हम सेंट्रोसोम के नाम से भी जानते हैं, तारककाय या फिर सेंट्रोसोम। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह कोशिकांग केंद्रक के पास स्थित होता है। तो कोशिकांग में केंद्रक के पास एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे बोला जाता है दोस्तों तारककाय। तारककाय पादपों में कभी भी नहीं पाया जाएगा, केवल जंतुओं में उपस्थित होता है। या आपको याद रखना है, कई एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कि तारककाय जंतुओं में पाया जाता है पादपों में, तो ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में तारककाय अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका का जब विभाजन होता है तो उसमें तारककाय सहायता करता है। तो जंतु कोशिका विभाजन में तारककाय मदद करता है। तारककाय का प्रमुख कार्य हो गया कोशिका विभाजन के समय तर्पु तंतु, जिसे स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, तर्पु तंतु के निर्माण का कार्य कौन करता है, तारककाय करता है। तो कोशिका विभाजन जब होता है तो उस समय स्पिंडल फाइबर या तर्पु तंतु का निर्माण करता है तारककाय। तो दोस्तों तारककाय से संबंधित ये दो तीन फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। यह केंद्रक के पास पाया जाता है, पादपों में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग है दोस्तों लवक, जिसे हम प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। तो लवक को अंग्रेजी में बोला जाता है दोस्तों प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की यदि बात की जाए तो प्लास्टिड की जो खोज की गई दोस्तों ये क्लेडे के द्वारा की गई। प्लास्टिड की खोज किसने की, क्लेडे ने की। पादप कोशिकाओं में एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलिना में लवक पाए जाते हैं। तो लवक किन में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्लांट सेल के साथ साथ कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलिना में भी पाए जाते हैं। तो युगलिना को बारे में आप जानते होंगे, युगलिना की आकृति जो होती है चप्पल जैसी होती है। पादप और जंतु दोनों की तरह कार्य करता है, अर्थात इनमें जो पादप की तरह भोजन बना सकता है। तो दोस्तों ये बात हो गई युगलिना की, जिसे पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों युगलिना
और उसके बाद हम बात करते हैं लवक की बात। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है दोस्तों वर्णी लवक, तीसरा होता है हरित लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बना पाते हैं, अर्थात जिनका जो शरीर के भाग होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे कि जड़ हो गई और भूमिगत तना हो गया। जैसे आपने शकरकंदी देखी होगी, शकरकंदी जमीन के अंदर होती है, उसी प्रकार आपने गाजर देखी होगी, तो ये सभी भूमिगत होते हैं, भूमि के अंदर इनका विकास होता है, तो ये सभी अवर्णी लवक का उदाहरण माने जाते हैं। अगली बात करते हैं वर्णी लवक, जैसे कैरोटीन जैंथोफिल, ये वसा में पहले जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन जैंथोफिल, ये भी वर्णी लवक का उदाहरण माने जाते हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य होता है पादपों में प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण करना हरित लवक का मुख्य कार्य होता है। इसे कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। कोशिका का ऐसे रसोई घर क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों रसोई में जैसे भोजन बनता है, उसी प्रकार पादप की पत्ती में जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है वो भोजन बनाने का काम करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोफिल वर्णक की बात करें तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था, क्लोरोफिल वर्णक में कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक जो होता है धौरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो ये भी कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि धौरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग कौन सा है, हरित लवक। तो हरित लवक धौरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। तो दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।